Good morning, dear students. Now let's start. बेटा हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.B की. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करवा दिया था. उसके आगे से हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से बात करेंगे. तो हम आपको बताना चाहेंगे, जिस भी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 1B या 1A में प्रॉब्लम हो रही है, वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है. क्वेश्चन हुआ या एक्सरसाइज हुई, जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं. आप व्हाट्सएप में या आप हमसे ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं वहाँ भी, या मेरे पर्सनल नंबर पर, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो हमसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. तो बेटा ये आपकी है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 √2/3 −√2 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू √2. तो यहाँ बेटा आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ से आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं. एक आपका ए है, ये आपका ए हुआ, दूसरा आपका बी हुआ. इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, 3 √2/3 −√2 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू √2. तो आपका ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेते हैं और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे. और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ. अब क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका है 3 −√2, ये डिनोमिनेटर है. अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 −√2 है, यहाँ पर हम 3 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया है, मतलब उसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है. अब आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो दोनों हैं 3 √2 यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है. अब यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर पावर ऐड होकर 2 हो जाएगी. तो हो गया 3 √2, इसकी पावर देख रहे हैं यहाँ पर 2 हो गई है. और नीचे का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका है a − b और आपका ये है a + b. यहाँ पर आपके फार्मूले बन रहे हैं. तो आपका यहाँ मैंने इसको ऐसे सेम लिख दिया है, a − b × a + b, ये फार्मूला हो गया. अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम एक्सपेंड कर देंगे a + b होल स्क्वायर से. तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 3 और होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. फिर बात करते हैं प्लस b², तो b की वैल्यू है √2b का स्क्वायर, मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा. प्लस 2ab, 2 ऐसे ही रहेगा. a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, b की वैल्यू √2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा. और नीचे आपका जो नंबर दिया गया है वो 3 −√2 3 + √2, ये आपका a + b a − b आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे. तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है 3 है और जो b की वैल्यू है वो √2 है, तो हो जाएगा a² − b², डेट इज़ ए 3² माइनस और उसके बाद √2², ये हो गया आपका. अब ऊपर देख रहे होंगे आपका 3 का स्क्वायर है, जब 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 आएगा. यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बेटा 2 आएगा. और यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 6 √2 हो जाएगा यहाँ पर. अब फिर नीचे देख रहे हैं यहाँ 3² लिखा गया है, तो 3² = 9 आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऐसे लिखेंगे यहाँ पर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा. तो ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा. और प्लस प्लस ऐसे ही लिख लिया जाएगा, यहाँ पर 6 √2 यहाँ पर हो जाएगा ऐसे. और नीचे आपका जो लिखा गया है 9 − 2, ये जो 9 − 2, 9 को माइनस करेंगे 2 से, तो आपको यहाँ 7 आएगा. तो यहाँ देख पा रहे होंगे हमने 7 यहाँ पर लिख दिया है, ये 7 हो गया आपका. इस तरह आगे सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे हम. तो इधर जब देखेंगे 11 + 6 √2/7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 11 / 7 और यहाँ जो 6 √2 है 7, इसको भी हम कर देंगे 6 / 7 × √2, दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे. इसको स्प्लिट करने के बाद इसको हम सेपरेट कर देंगे, 11 / 7 + 6 / 7 × √2, ये हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये a + b √2 है, इसी को हम यहाँ पर ला के कंपेयर कर लेंगे. अब कंपेयर करेंगे तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, ये हो गया यहाँ पर. अब जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर
ए को कंपेयर किया गया, जो ए की वैल्यू है वो 11/7 है और जो बी की वैल्यू है 6/7 है, और जो ये अंडर रूट टू है ये अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा। इस तरह जो बी की वैल्यू होगी वो 6/7 होगी और जो ए की वैल्यू होगी वो 11/7 होगी। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अंडर रूट टू से अंडर रूट टू यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। तो बेटा इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और मैंने आपको जो इसका बी पार्ट है आपको होमवर्क में दिया, इसका जो सी पार्ट है भी होमवर्क दिया है सॉरी तो इसका जो बी पार्ट और सी पार्ट इसको हम आपको होमवर्क में दिए हैं। अब बात करते हैं इसी का डी पार्ट, बी और सी आपको होमवर्क में करना है। डी पार्ट की बात करते हैं, जो डी पार्ट है वो 3 √5/3 + 2√5 = a · √5 - b है। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, मींस इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो बन रहा है आपका है 3 √5 × 3 - 2√5, ये इतना आपको यहाँ से मिल रहा है। और नीचे जो मिल रहा है वो आपका होगा ये जो 3 + 2√5 = 3 - 2√5। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आइडेंटिटी बन रही एक तरह की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू जो है वो 2√5 है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस और 2√5, मतलब बी की जो वैल्यू है वो 2√5, इसलिए आपका 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर का नंबर हम ऐसे लिख लिए हैं, ऊपर हमने ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई के साथ में। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले क्या करेंगे 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम जो 3 है वो फिर उसको −2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर आपके 6 हो जाएंगे, 6√5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम जो अब तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 - 5 से 3 में मल्टीप्लाई करिए, जो −5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा −3√5। फिर हम क्या करेंगे −5 को −2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 को ऐसे लिख लेंगे हम और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर। अब फिर देखते हैं आपका जो नंबर है वो हो जाएगा ये 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ये जो 9 आपका है इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 10 और 9 यहाँ पर 19 हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका ये जो है −6√5, ये −3√5 है, दोनों आपके जो अंडर रूट में वैल्यू है √5 √5 सेम है, यह −6 यहाँ −3 है। तो हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस तरह 9√5 हो गया, 6 greater, इसलिए आपका −√5 हो जाएगा, −9√5 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यही, अब हम क्या करेंगे ये जो नंबर इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, जो आपका नंबर लिखा है पहले तो हम माइनस करेंगे, 9 से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा −11, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको तो यहाँ लिखा है मैंने नीचे बेस में आपको ये −11 यहाँ पर ये −11 है, ये 9 - 19 - 9√5/−11 है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा नंबर है 19 - 9√5/−11 है ये नंबर यहाँ पर है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, इसी को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, आगे सॉल्व किया गया तो हमने क्या किया है वैल्यू को इंटरचेंज कर दी है, जो आपका माइनस ये इतना जो टर्म है −9 √5/−11 इसको मैंने पहले लिख दिया है, और जो आपको आगे दिख रहा होगा ये 19 - 11 इसको मैंने लास्ट में कर दिया है, −19/11 बाद में कर दिया है। अब उसी वैल्यू को हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, जो आपकी वैल्यू लिखी गई यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी गई है a√5 - b, अब इसी को हम कंपेयर करेंगे, ये जो √5 दिख रहा है √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो गया, और जो a की वैल्यू है वो 9/11 हो गई यहाँ पर, और जो −b की वैल्यू है ये −से −, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह b की जो वैल्यू होगी 19/11 हो जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बेटा। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, जिसको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। तो आपका जो होमवर्क है वो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है।